इसलिए शाम को करते हैं। और कीड़े सब आपको मिलता है देखने को, मतलब यदि सुबह हो सकता है, नहीं तो शाम को, ज़्यादा से सुबह करें तो बेहतर है, नहीं तो यदि किसान को थोड़ा दिक्कत है आने में तो शाम को, मतलब 4 बजने के बाद आप कर सकते हैं। सुबह को, सुबह 7:30 से 8 आ जाए तो पूरा आपको कीड़े दिखते हैं यहाँ पे, मतलब बंधु और शत्रु सब देखने को मिलते हैं। और दो मतलब 10 बजने के बाद या 11-12 वो दोपहर में देखें तो कुछ भी नहीं मिलेगा ना। हम लोग 4 बजे 3:30 4 बजे 3:30 भी धूप ज़्यादा रहता है, मिलेगा नहीं, 4 बजे थोड़ा ठंडा होने के बाद 4:30। लेकिन उस वक्त क्या है कि ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको शाम को किए थे, इसलिए बेहतर है सुबह करना। 7:30 यदि आप खेत में मौजूद होते हैं तो 7:30 से 11 बजे तक आपको पूरा ये आ जाता है, मतलब ये 1-2 घंटा का रहता है। मतलब पौधे 10 पौधे देखते हैं कैसा है, उसमें रोग लगे क्या, कीड़े लगे क्या, और पौधा कैसे वृद्धि हो रहा है, ये सब देखने के बाद अगले हफ्ते तक हमको इसमें क्या करना है, ये हम उस हर हफ्ता जो बैठते हैं उसमें हम तय करते हैं, इस हफ्ते में क्या क्या करना है, अगले हफ्ते में क्या करना है, अगले हफ्ते में मतलब अभी जो प्लानिंग, प्लानिंग हाँ, प्लानिंग सिर्फ प्लानिंग नहीं, इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए, कर भी करना है मतलब यहाँ पे। और अगले हफ्ते जब आते हैं तो उसका इफेक्ट कैसा है वो देखते हैं। মানে আপনি যদি সকাল 7:30 থেকে 11টার মধ্যে আসেন তাহলে জমিনে যে কীড়াগুলো সেখানে আপনি ভালোভাবে চিনতে পারবেন কোনটা বন্ধু পোকা কোনটা শত্রু পোকা। এবারে ওইগুলো যদি চিনেন আপনার কত পার্সেন্টেজ আপনার জমিনে ওই মানে বন্ধু পোকা বা শত্রু পোকাটা এসেছে তাহলে আপনি কি করবেন এবং সেটা মানে আপনি সাজেশন করলেন করে আপনি প্রয়োগ করলেন এবং পরের সপ্তাহে আপনি গিয়ে কি দেখলেন, এই রিপোর্টটা কিন্তু আপনাকে কন্টিনিউ করতে হবে, তাহলে আপনাদের এটা মানে এটার প্রতি আপনাদের আরো আগ্রহ বাড়বে এবং আমাদের এই যেটা আমরা হারিয়ে ফেলেছি সেটা আবার ফিরে পাবো। আচ্ছা, এই যে জাদা পানি জব হোতা হ্যায় তব আপ কাটতে হ্যায় তো দানা মে ময়েশ্চার জাদা নেই রেতা এতে থাকে আপনার এখানে যে যখন আপনার পুচি জল হয়ে গেল তার উপরে কি ইয়ে পড়ে যায় শ্যাওলা না না ওই মানে প্লেন হয়ে যায় মাটি না না ও অলাবার নাই मस्ते मस्ते ना वो नहीं है, मैं जो पूछा ये कटाई के वक्त पानी ज्यादा रहता है इसमें तो दाने में, मतलब यदि आप FCA में या कहीं बेचना चाह रहे हैं तो 12% तक यदि आपका मॉइस्चर रहता है तो ज्यादा समय तक आपका दाना रहता है स्टोरेज में, नहीं तो अच्छा अच्छा हाँ, नहीं तो ज्यादा मॉइस्चर देने पड़ेगा, ज़्यादा मॉइस्चर है तो फिंफी लग सकता है फंगस, नहीं तो कीड़े ज़्यादा लग सकते हैं। और पानी जो काटछे ना যখন জল ইয়ে করছেন তখন তো ধানের মধ্যে যখন ভিজে যাচ্ছে যদি জল থেকে যদি জল থেকে যায় তাহলে কিছু দাগ বা স্পট চলে আসে ধানে, কেসে করতে কিউকি ইতনা জ্যাদা পানি হ্যায় ইয়াহা পে। আপনারা কি করে? ও আমরা ওই সঙ্গে সঙ্গে ওই মাথা কেটে নিয়ে সব তুলে নিয়ে চলে আর রৌদ্রের মধ্যে রেখে সেখানে, মতলব ঘর কে সামনে করতে হ্যায় ইয়াহা পে কিউকি বহুত সারে লোক কাট কে ঘর মে লে যায় ঘর মে লে চলে। ওকে, কিউকি কুছ জায়গা মে ইয়াহা পে ও সুকা রহে থে, হ্যাঁ মতলব সুকানে কা মতলব নিচে সে পানি হ্যায় উপর সে সুকানে কা তো ও ইতনা জ্যাদা সুকতা নাহি কিউকি পানি সে ও ফির সে নমি লে জাতা হ্যায়, ইসলিয়ে হাম ঘর পর লে চলে যায়। ঘর পর করতে হ্যায় सुखा के कितने दिन के बाद आप ये करते हैं बेचते हैं? सुखाने के कितने दिन पर झाड़ी मारे के लिए बिक्री करें? हम लोग 1.5 से 2 महीने पर मोर और कितने बस्ता आया वो कब नापते हैं, बेचने के समय पे या काटने के समय? काटार पर अपना कत बस्ता है और बिक्री करार समय अपना ये सुखाने के पर कत झाड़ी मारे करे फेलिस करे সেটা আমরা তো সেইভাবে আমরা এ করি না, আমাদের ওই বস্তা থাকে ওটাই শুকনো করি ওটাই ঢোকাই তারপরে বিক্রি করার সময় মাপের বিক্রি করানো, ওই বস্তা মাপ অ্যাকচুয়ালি চাষিদের বেশিরভাগ বস্তা মাপ যে এত বস্তা কত বছর হলো 60 কেজি আমাদের এখানে 60 কেজি মে ও বস্তা বিক্রি।
आपको कुछ ज्यादा आया है इस तरीका करने से? हाँ, ज्यादा हुआ। कितना ज्यादा हुआ है? तीन बस्ता ज्यादा है। छह आता था, ये श्री करने से खर्च भी कम हुआ है? खर्च के तो कमे है, खर्च कम किया, खर्च कम किया है। ठीक है, पैसा पहले 2500 हो रहा है बोल रहा है, तो अभी तो 2500 से 3500 अभी बोला है जे खूब सामान्य पैसा। ठीक है, और आगे भी करेंगे ऐसा? हाँ करेंगे, वो तो अभी हो रहा है ना, जो बरोजस बरोजस के लिए वो तो ये रेडी है। और सिर्फ आप ही कर रहे हैं, आपके साथ कितने लोग आए हैं? ये लोग है, ओके, ये तो अभी 3 है, लेकिन आपका गांव में अब कितने लोग हैं ऐसा करने? हमारा 15 जन है। 15 जन पूरा यहाँ पे चाची कितने हैं? चाची बहुत है, हजार हजार लोग हैं। अच्छा, नहीं चाची जमीन नहीं तो, जमीन जो जिनका है अपना तो अखन हजार से चाची तक सब तो लैंड पे चले गए, ताले अखन चास कोचे एक्चुअल चास कोचे हमारे सेलो तो 15 जन আছে আর তাদের পারে আমাদের 40 জন মত আমরা 40 45 45। আর বাকি 40 কো ভি আপ সাথ মে লেঙ্গে? হ্যাঁ জরুর লেঙ্গে, জরুর লেঙ্গে, বাতাएंगे इसका। सर यहां पे कुछ चाची है हमारा, वो लोग भी एसआरआई किया है, लेकिन आज उसका थोड़ा सा काम है, इसलिए वो लोग पहले भी था एक साथ 10-12 था, लेकिन काम पे चला गया उसका। ठीक है, कोई बात, काम कर रहे थे। ज्यादा लोग इसको अपना रहे हैं या नहीं, कैसा है उनका? सर वो अपना रहा है, लेकिन सर थोड़ा थोड़ा वो जो वो काल जो बात वहाँ पर हो रहा था, जो कोई चाची का 100-6 बीघा जमीन है, लेकिन वो 1 और 2 बीघा ट्राई कर रहा है ज़्यादा करने के लिए, करने डर लगता है, क्योंकि इसका जो इन्होंने पूछ रहा था जो माटी सर बहुत ख़राब है, इसका किस तरह से ज़्यादा उन्नति करा जाए तो वो अच्छा रहेगा। तो ग्रीन मैन्यूस का भी ट्राई किया? नहीं सर, वो थोड़ा सा सर वो सरिषा चाष और धोनचे चाष कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा फायदा नहीं आ रहा है सर उसका। अच्छा, दहीचा का ज़्यादा नहीं है? कर रहा है कुछ लोग, हाँ, लेकिन सर उसका जो वो जो फॉर्मूला है, जो 10 और 15 दिन बाद उसका 4 दाना है, लेकिन इसका वो उस टाइम गाड़ी नहीं मिलता है, उसका प्रॉब्लम है, इसका ज़्यादा प्रॉब्लम है सर, खुद का तो वो चश्मे के लिए गाड़ी नहीं है, हाल से करते हैं, हाल भी है नहीं, अभी नहीं है सर, तो गुरु नहीं है यहाँ, तो कैसे करते हैं? वो तो पावर टिलर क्या होता है, वो 1 और 2 आदमी के लिए वो नहीं आते, जब 10 और 15 आदमी हो जाएगा चश करने के लिए तब आएगा, वो तो प्लॉट इसका रोकना पड़ेगा उतना दिन, ये है कि इसका ज्यादा वो अप्लाई करना पड़ेगा, वो हम लोग सोचा ना। लेकिन ये इन्होंने ये जो सर प्लॉट है, कृषि लोग जैविक किया है, इस माटी के सर कुछ सुधार है, इस माटी आपको देखने के लिए ये लोग आए हैं, जो इस पे क्या को ज़्यादा क्या उन्नति हुआ है, इससे डिफरेंस, ये लोग बोल रहे हैं कि इससे ज़्यादा कुछ केचो जो बोलता है इससे थोड़ा दिख जा रहा है, जो वो जैव करने के बाद, लेकिन इस माटी में वो केचो सर ज़्यादा नहीं है, वो ये प्लॉट NPM कर रहा था ये लोग सब मिल के, तो ये बात और ज़्यादा क्या क्या कैसे करा जाए ये पूछना भी चाहते हैं आपको ये लोग। हाँ ओके, यहाँ पे जो आपका मतलब सॉइल उर्वरता बढ़ाने के लिए तो एक कितना इससे लेते हैं, वो रिसाइक्लिंग कैसे करते हैं वो देखना है, मतलब यदि आप धान ले रहे हैं, धान से आप दाना बाहर चले जाते हैं, हाँ कुछ हम कहते हैं नहीं, तो वो जो घास जो आता है स्ट्रॉ, वो तो जानवर को खिलाते हैं, है ना, तो वो जानवर का जो गोबर आता है फिर वापस यहाँ पे आता है या नहीं, वो थोड़ा देखते हैं, क्योंकि यदि हम जालनी में थोड़ा इस्तेमाल करते हैं और थोड़ा घर को साफ सफाई में थोड़ा इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें जितना वो पौधा लिया है वो कैसे वापस इसको दे सकते हैं, इसलिए आपको कंपोस्ट बनाना पड़ता है, नहीं तो वर्मी कंपोस्ट थोड़ा कुछ करने से हो सकता है, जीवामृतम से हम करते हैं कुछ प्राणामृत जीवामृत वगैरह, तो वो बैलेंस थोड़ा देखना पड़ता है, मतलब इससे कितना हम ले रहे हैं वापस कितना दे रहे हैं, क्योंकि बैंक है, बैंक में से हम कितना पैसा डाल रहे हैं और कितना ले रहे हैं, तभी वो बैंक बैलेंस रहता है, आप कम डालते हो ज़्यादा लेते हो तो आपको नहीं होगा ऐसा, तो यदि मतलब जो जानवर से गोबर जो आता है कम पड़ता है, बकरी का जो है, यदि आपके पास बकरी है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं,
नहीं तो ये जो सुबह का भी जो ये रहता है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है, बड़ा गर्मी ज़्यादा रहता है, लेकिन उसमें डालने के बाद थोड़ा 10-15 दिन ऐसा उसमें ये करके माने जाने तो ढूंढे ঢনচেটাকে বলছে যে ঢনচেটাকে চাষ করার পরে 12-13 দিনের মধ্যে ওটাকে চুষে মাটিতে মিশিয়ে দিচ্ছে, তাহলে সেই সবুজ খাদ্যটা তো মাটির মধ্যে চলে আসে, এটাই বলছেন। ঢনচেটাকে বারে মানে मैं बोल रहा हूँ सुअर का। अच्छा सर যতটুকু বললে মোটামুটি বুঝতে পেরেছি, বলছেন যে জৈব আর বেশি পরিমাণে করতে হবে, মানে জমি থেকে আমরা যতটুকু পরিমাণে নিচ্ছি কিন্তু জমিতে আমরা কি দিচ্ছি, আমাদের বাড়িতে যে জৈব যেগুলো আছে যেমন গরু, গরু যে ঘাস বাজে দেখাচ্ছে তার থেকে যে মল সেটা যদি আরো বেশি পরিমাণে ব্যবহার করা যায়, ছাগলের মলটা, শুকরের মলটা, ভেড়ার মলটা, এটা যদি খুব বেশি পরিমাণে ব্যবহার করা যায়, সেক্ষেত্রে আমাদের বাড়িতে গর্ত কম্পোস্ট, গর্ত কম্পোস্ট দিয়ে তারপরে যদি ভার্মি কম্পোস্ট আরো যদি ব্যবহার করা যায়, এখানটা আমরা যে কম্পোস্টের কথা বলেছিলাম যে কেঁচোটাও কিছু এনে দেওয়া যাবে, কিছু চাষি যদি আরো ওই কম্পোস্টটাকে ভার্মি কম্পোস্টে রূপান্তরিত করে, সেগুলো করলে জমির মানটা আরো আরো বেড়ে যাবে এবং ধানের ফলনটা আরো আস্তে আস্তে বাড়বে। दूसरा है यदि आपको पानी यहाँ पे जम जाता है ज्यादा, यदि आपका सब्जियों का खेत है तो थोड़ा रेजिड बेड्स करने से वो ये होता है, रेजिड बेड्स हाँ। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ये जो घास है ना इसको उसमें ज्यादा मिक्स करके यदि रख दिए तो वो कंपोस्ट बन जाएगा और जो भी पौधा आप वहाँ पे उगा रहे हैं वो भी उसमें अच्छी तरह से आता है। और गोरू का जो मूत्र जो रहता है वो छिड़काव किए तो भी बहुत अच्छा उनको मतलब रोग निरोधक क्षमता बढ़ जाता है और पौधा भी अच्छे से टॉनिक जैसा उसका काम करता है। सब्जी जगह व्यवहार कर गोरू पोछा एक भाग और छ भाग जल दिए जेटा छिटिए दिए जेटा व्यवहार कर डायरेक्ट स्प्रे नहीं, 1 लीटर गोमूत्र में 6 लीटर से 9 लीटर तक आप मिक्स कर सकते हैं, मतलब पौधा की उम्र के हिसाब से, आप कम उम्र है तो 9 लीटर, थोड़ा बड़ा है तो 6 तक 6 लीटर कर सकते हैं, और पौधे के हिसाब से मतलब धान में नहीं तो थोड़ा हार्डी जो है बैंगन वगैरह जो है उसमें आप कौन गाछे दिच एक कर सकते हैं, कौन गाछे दिच कत बॉयस है गाछे बॉयस तो कम है तो कम होवे तो जल बेसी मिसाते हैं।